देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के एरिया में इजाफा हो गया है। एयरपोर्ट के लिए आरक्षित जमीन का एरिया 5000 हेक्टेयर से बढ़कर 6200 हेक्टेयर हो गया है। एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग एक्टिविटीज का बड़ा सेंटर बनाने के लिए 2 सेक्टर्स की जमीन को एयरपोर्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इससे करीब 1200 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के लिए और रिजर्व हो गई है। 5 रनवे के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन एरिया के हिसाब से भी इस एयरपोर्ट ने देश के अन्य एयरपोर्ट्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक देश में पहले स्थान पर था, लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एयरपोर्ट के लिए नई आरक्षित 1200 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। कुल 1,365 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इसमें MRO के लिए कंपनियों को जमीन आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही पहले चरण में बन रहे 2 रनवे के अलावा 1 रनवे और बनाया जाएगा। नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह का कहना है कि MRO तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। इसमें राजस्व के साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन के अवसर हैं। अभी तक सीमित स्तर पर MRO की सुविधा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसका बड़ा केंद्र बनाने की योजना है।